दिस इज अर्चना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अर्चना एजुकेटिव पॉइंट। तो आज मैं फिर से आपके साथ एक छोटा सा DIY शेयर करने जा रही हूँ और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज के DIY में हम क्या यूज करने वाले हैं। तो आज के DIY के लिए हम इस तरह का टूटा हुआ पाइप यूज करने वाले हैं जो कि अक्सर हमारे घर में यूज होता ही है कभी ना कभी इस तरह का पाइप। तो इस पाइप का यूज करने वाले हैं और इस पाइप का यूज करके मैं एक खूबसूरत सा DIY बनाने की कोशिश की हूँ। आई होप कि आपको आज की ये DIY पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप सबसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये AC का पाइप है जो पानी बाहर की तरफ रिमूव होता है। तो उसका बाकी पार्ट तो ख़राब हो गया था और इतना पार्ट है थोड़ा सा अच्छा था, तो मैं फेंकने से पहले मैंने सोचा कुछ DIY कर लिया जाए इसके ऊपर। तो बस अब हम इन्हें सबसे पहले दो डिफरेंट साइज़ में हम इन्हें कट कर लेंगे। इसके 4 टुकड़े किए हैं, 2 अलग अलग साइज़ के, तो 2 थोड़े लंबे हैं और 2 को मैंने थोड़े छोटे साइज़ में कट कर लिया इस तरह से। इसके बाद मैं इसे रोल राउंड से बनाऊंगी। तो इसको आप चाहें तो पहले हॉट ग्लू गन से या फेविक्विक से इसे पेस्ट कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं इसे डायरेक्ट ही पेपर टेप की हेल्प से इसे रोल कर लूँगी। सेम इसी तरह से चारों को मैं रोल कर लूँगी। तो यहाँ मैंने चारों को पेपर टेप की हेल्प से रोल कर लिया है और इसे अब थोड़ा सा ये गंदा सा भी हो गया है तो इसके ऊपर मैं अगेन चारों तरफ से पेपर टेप की हेल्प से इसे अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। तो बस इस तरह से मैंने चारों को कवर कर लिया है पेपर टेप की हेल्प से। अब मैं इसे कवर करने के लिए इस तरह का कलावा यूज़ करूँगी और इसके ऊपर एक गांठ लगाकर उसके बाद हम इस कलावे से ही पूरे रोल के ऊपर कवर कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से पूरे को कवर कर लेना है। तो चारों रोल को मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो थोड़ा लास्ट में हम इसे इस तरह से फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा मेरा धागा ख़त्म हो गया था तो बहुत ढूंढने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट कलर का ज़रा सा धागा मिला है तो ये थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट कलर का हो गया है। और बस अब ये चारों रोल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो मेरे पास इस तरह के 2 मटके पड़े हुए हैं छोटे छोटे, तो इन दोनों मटकों को मैं सबसे पहले कलर करूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसके ऊपर वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि हम कोई दूसरा कलर करें तो आसानी से इसके ऊपर चल जाए। वाइट कलर करने के बाद हम इसे रख देंगे ड्राई होने के लिए। तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और इसके ऊपर अपने मनपसंद कोई भी कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने दोनों मटकों को कलर कर लिया है। अब इन दोनों को ड्राई होने के लिए रख देते हैं। सूखने के
उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। तो बस मैं हल्का हल्का ही इसे वाइट कलर से ब्रश का स्ट्रोक देकर फ्लावर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और सेम इसी तरह से दोनों पॉट के ऊपर मैं बना लूँगी। तो दोनों मटके रेडी हो चुके हैं, इन्हें थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। और इनका मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह का जो मैंने रोल बनाया था, ये एक ओल्ड सू रैक मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसे मैंने पेंट कर लिया है और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है। और बस इससे रोल को मैं इस स्पॉट को रखने के लिए मैं यूज़ करूँगी, ताकि ये देखने में इस तरह से खूबसूरत भी लगेगी। आई होप कि आपको आज की ये छोटी सी DIY पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।